गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज मैं प्रैक्टिस सेट 19 को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप इस पेपर में फिर खो जाने वाले हैं। सो प्रैक्टिस सेट 19 में सबसे पहले आपका दिया हुआ है पैसेज, जिसमें 1 to 4 क्वेश्चन हैं। इसके लिए पैसेज को पढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ बुक्स इज टू फोल्ड, दे प्रिजर्व नॉलेज इन टाइम एंड स्प्रेड इट इन स्पेस। Suppose for example you think of an idea, important idea, unless you can write it down, your idea will probably die when you die. Even if you write it down, it perishes as soon as the mice tear the paper, which they often do. But once it has been, यहाँ once की typing mistake है बेटा, ये आपका ONCE आएगा। बट वंस इट हैज़ बीन प्रिंटेड इन अ बुक फॉर्म, इट डज नॉट मैटर हाउ सून यू डाई और हाउ मैनी पीसेज ऑफ वॉट यू हैड रिटन वर ईटन बाई माइस। फॉर सो लॉन्ग एज वन कॉपी रिमेन्स, द आइडिया कैन बी मेक्स टू लास्ट फॉर एज लॉन्ग एज पीपल गो ऑन प्रिंटिंग, एंड सो इट विल लिव लॉन्ग आफ्टर यू हैड डाइड। तो पैसेज यहाँ कहना चाह रहा है कि यदि आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है और यदि आपने उसे लिखा नहीं है तो वह आइडिया आपके साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि आपने उस आइडिया को नोट कर लिया है, कहीं लिख लिया है, तो वह तब तक लिखा हुआ रहेगा जब तक उसे चूहे काट नहीं जाते। लेकिन यदि आपने उस आइडिया को एक बुक फॉर्म में पब्लिश करा दिया है, तो जब तक उस बुक का एक भी पीस रहेगा वो आपका थॉट रहेगा, आपके मरने के बाद भी आपका थॉट रहेगा। तो ये आपका पैसेज का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए आधार पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। ऑप्शन ए है दे कंटेन्स ऑफ नॉलेज एंड स्प्रेड इट। दे कंटेन्स नॉलेज और स्प्रेड इट, अब वो ज्ञान को कंटेन करते हैं, उसे फैलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है दे गिव अ सक्सेस। ऑप्शन सी है दे इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ बुक्स का जो काम है, दे कंटेन और नॉलेज एंड स्प्रेड, यानी वो नॉलेज को अपने कंटेन भी रखते हैं और उसको स्प्रेड भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What will happen if we do not write our important idea? क्या होगा यदि हमने अपने important ideas को नहीं लिखा तो? Option है it can be make to last as long as we live, it will probably die with our death, it will be spread by us, none of these। तो जब हमने किसी idea को book form में नहीं लिखा है तो क्या होगा? तो वो idea हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका option B, it will probably die with our death। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सजेस्ट अ सुटेबल हेडिंग ऑफ द पैसेज, किसका क्या सुटेबल टाइटल होना चाहिए। ऑप्शन ए है द बुक्स एंड आइडियाज आर इम्पोर्टेंट। ऑप्शन बी द पीपल एंड द माइस। ऑप्शन सी इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या इसका इम्पोर्टेंट, क्या सुटेबल सबसे टाइटल होगा इसका? इसका टाइटल होगा इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, पुस्तकों का महत्व। पुस्तकों का महत्व ही तो बताया जा रहा है कि पुस्तकों का क्या महत्व है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज। अब इसमें एक अंडरलाइन वर्ड है और अंडरलाइन वर्ड क्या है? प्रोबेबली। और प्रोबेबली आपको बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है और या प्रपोजिशन है। तो प्रोबेबली है वो आपका एडवर्ब है, इसलिए ऑप्शन इसका ए आएगा। नेक्स्ट, इफ देयर इज एनी इनकरेक्ट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाइड, यानी आपका एरर फाइंडिंग है, कॉमन एरर्स है। तो अ बुक यू रेड इन द मॉर्निंग इज बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर। अब आप ध्यान करें, आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन जहां छिपा हो या लिखा हो, या किसी नाउन को हम स्पेसिफिक बताएंगे, विशेष बताएंगे, तो उसके साथ द आता है। तो यहां पर ऑप्शन ए आएगा।
द बुक दैट यू रेड, अब यहाँ पर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन दैट है वो छुपा हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन को छिपाया जा सकता है, या आपको प्रोनाउन वाला टॉपिक मैंने बताया है, आपको डाउट हो तो आप प्रोनाउन वाला टॉपिक पूरा स्टडी कर लेना, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, और ये आर्टिकल में भी मैंने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट रेस्पेक्ट सेम फॉर हिज गुड बिहेवियर। और नाउन वाले टॉपिक में आप याद करें, आपको एक बहुत नियम इंपॉर्टेंट आपको लिखाया था नाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में, कि अ नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट हिम, तो ऑप्शन बी आपका एरर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई हार्डली नीड से हाउ मच ग्रेटफुल आई एम टू यू। सो इसमें आप देखेंगे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली के आपको नियम आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें आप कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो नीड को लेकर के है। नीड को लेकर प्रॉब्लम क्यों है? जब नीड और डेयर मेन वर्ब का काम करते हैं तो इनके बाद फुल इन्फिनिटिव आता है, जब नीड और डेयर ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं तो इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। पता कैसे लगेगा आपको उसको, एक बात यहाँ जो आपको मैं समझा देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए हार्डली क्या है, हार्डली एक एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और एडवर्ब फ्रिक्वेंसी कहाँ आता है, एडवर्ब फ्रिक्वेंसी सहायक क्रिया के बाद आता है और मुख्य क्रिया से पहले आता है। तो अगर यहाँ पर नीड सहायक क्रिया होती, ऑक्सिलरी वर्ब होती, तो हार्डली नीड के बाद आ रहा होता। इसका मतलब है हार्डली यहाँ एडवर्ब फ्रिक्वेंसी है, ये तो कोई डाउट है नहीं। नीड यहाँ क्या है, नीड यहाँ पर आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, जब नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद टू आना चाहिए, यानी जब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, मॉडल्स का काम करेगा, इसके बाद टू नहीं आएगा, जब ये मेन वर्ब का काम करेगा इसके बाद टू आएगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ये आ जाएगा नीड टू से, यानी टू से हो जाएगा, टू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस बीइंग कम द थीव्स बिगिन टू रन विद बैग एंड बैगेज। बताइए इसमें क्या ऑप्शन आपका होना चाहिए, मैं बता देता हूँ, इसका भी ऑप्शन ये आएगा। क्यों आएगा? वर्ब वाला आपने टॉपिक पढ़ा है, और वर्ब वाले टॉपिक में आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब होगा, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है, एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित होती है, और पार्टिसिपल में भी एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया जाता है। डिफरेंस क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों वाक्यों का अलग अलग कर्ता होता है, जबकि पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों का एक ही कर्ता होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट पुलिस है और यहाँ सब्जेक्ट थीव्स है, तो ये अगर दोनों वाक्यों का अलग अलग कर्ता है तो ये पार्टिसिपल तो हो नहीं सकता, फिर क्या है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम जब जोड़ते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, वर्ब को हम वहाँ करते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। तो यहाँ बीइंग कम नहीं आएगा, द पुलिस हैविंग कम आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, सी इज फाउंड ऑफ डॉट डॉट डॉट। आप याद करें, फिक्स प्रपोजिशन में आपको पढ़ाया था मैंने, फाउंड, सॉट, एफ्रेट, वॉन, ये ऐसी कई कई शब्द हैं जिनके बाद हम प्रपोजिशन ग्रुप में ऑफ लगाते हैं। अब यहाँ देखेंगे ऑफ के पास भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ऑफ सिंग है, ऑफ सिंगिंग है, दूसरा एक, अब यूनिवर्सल फैक्ट याद रखेंगे आप, किसी भी प्रपोजिशन के बाद जब वर्ब आती है तो जीरंड के रूप में आती है, आईएनजी फॉर्म के रूप में आती है, और जब आईएनजी फॉर्म के रूप में आएगी तो क्या आएगा, यहाँ ऑफ सिंगिंग आएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द बेस्ट टॉपिक डॉट 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 आई टॉट। रिलेटिव प्रोनाउन आपको यहाँ देखना है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको भरना है, तो क्या रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए आप बताइए। ऑप्शन ए है हु, ऑप्शन बी दैट, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी एज।
सिंपली तो निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए वृक्ष लगाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आई है वेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो दैट यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हु, विच और हुम का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 / 3 डॉट 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 4। अर्थमेटिक सम बताने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको मैंने पढ़ाया था, अर्थमेटिक सम बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। और एक इसका पॉपुलर एग्जांपल आप याद रखेंगे, तो आपको एक पॉपुलर एग्जांपल बताया था, उसका अपवाद के तौर पे भी यूज होता है, 2 and 2 make 4। वह एक अपवाद है जहाँ प्लूरल वर्ब आती है, बाकी कहीं भी सिंगुलर वर्ब आएगी। उसमें भी कंडीशन यह है कि उसे प्रोवर्ब के रूप में यूज करते हैं। कुछ कंडीशंस में आप देखेंगे 2 and 2 make 4 को भी सही माना जाता है, लेकिन दोनों में से आपको चूज करना पड़ता है, तो 2 and 2 make 4 को आप चूज करिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी डॉट 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 इज फ्लाइंग इन द नॉर्थ स्काई। अब ऑप्शन है आपके वर्ड, वर्ड्स, ए वर्ड और अ वर्ड्स। अब सिंपल नेम क्या है कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आती है। अब आप ध्यान रखिएगा आगे इज आया हुआ है, इसका मतलब है वर्ड्स तो हो ही नहीं सकता है, तो वर्ड्स नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता आपका, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आगे इज लगा हुआ है। तो ऑप्शन क्या आएगा, फिर ऑप्शन आपका डी आएगा, क्योंकि यह एक फ्रेज की तरह यूज है, मैनी अ एक यूज होता है साथ में, तो डी हो गया। नेक्स्ट है द हाउस वॉज डॉट 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 यस्टरडे। ऑप्शन ए है डेकोरेट ब्यूटीफुली, ऑप्शन बी है ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, ऑप्शन सी है डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, ऑप्शन डी है डेकोरेटेड ब्यूटीफुल। एडवर्ब में आपको एक नियम बताया था, और जो आपको पैसिव वॉइस में भी आपको मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस में एडवर्ब और मैनर वर्ब के बाद आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में एडवर्ब मैनर वर्ब के पहले आता है, यानी मेन वर्ब की बात हम कर रहे हैं। तो ये पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ वॉज आया हुआ है और बी के साथ या तो आई एन जी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है, ये जा रहे हैं वॉज वर्ब, बी बीन के बाद या तो आई एन जी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता फर्स्ट फॉर्म है। बी ऑप्शन इसलिए हो जाएगा कि यहाँ देखो डेकोरेटेड वर्ब है और इससे पहले एडवर्ब आ गया है, एडवर्ब मैनर। सी ऑप्शन इसलिए गलत है, यहाँ एडवर्ब मैनर पीछे चला गया है। और डी ऑप्शन इसलिए गलत है, यहाँ ये एडजेक्टिव लिख दिया है, एडवर्ब लिखा ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो आपको पहले ये देखना होता है कि ये जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है एक्टिव है अथवा पैसिव है। फॉलो द रूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन आपको देखने से पहले जरूरी है देखना। आपको इसमें देखिए पैसिव होता तो यहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म होता, समझ ये एक्टिव वॉइस है, और ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस को हम कई प्रकार से पैसिव बनाते हैं। एक तो लेट वाला नियम होता है, एक शुड वाला नियम होता है, और एक नियम होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू वाला। ओके, सो यहाँ देखेंगे हमारे पास कौन सा नियम सही दे रखा है। द रोल्स ऑफ रेफरेंस शुड, देखो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया कि यहाँ शुड बी नहीं आया है, शुड बी होता ये आपका सही हो जाता। ऑप्शन बी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फ्लोप्ड, देखो ये आर तो मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि हम इम्परेटिव की बात करें, फिर फॉलोइंग थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसलिए गलत आपका है। आपका सी है यू आर एडवाइज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सही है, यू आर एडवाइज टू आपका आता है। और डी ऑप्शन देखेंगे यू आर नॉट एडवाइज, देखो उसमें नॉट लगा दिया, ये इसलिए गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू इंटरगेटिव सेंटेंस। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको बताया था कि हम कैसे इंटरगेटिव बनाते हैं, और उसका आपको नियम बताया था नो बडी, नो वन, एवरीबडी, एवरी वन, समबडी, समवन, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों तो उसको इंटरगेटिव बनाते हैं हु में चेंज करके, और वाक्य अफर्मेटिव का नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव का अफर्मेटिव हो जाता है, तो हु नोबडी जगह पे क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो वहाँ से नेगेटिव नहीं बनेगा, वो अफर्मेटिव बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये तो इसलिए नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बी इसलिए नहीं होगा कि नॉट आया हुआ, यानी नेगेटिव का अफर्मेटिव होना चाहिए। सी आपका करेक्ट है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट भी है और अफर्मेटिव भी है, और नोबडी का हु भी आ गया। ऑप्शन डी आपका हुम आ गया, इसलिए गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी है। ओके, ऑप्शन सी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सूटेबल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन है, माई फादर सेड इफ यू सफर फ्रॉम फीवर विजिट अ क्वालिफाइड डॉक्टर. देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में आपको एक नियम पढ़ाया था मैंने कि इम्परेटिव सेंटेंस के साथ जब इफ क्लॉज आया तो इम्परेटिव सेंटेंस को दो प्रकार से इनडायरेक्ट बनाया जाता है. पहला तरीका क्या है कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को आगे ले आएँ और उसे टू से जोड़ दें सिंपली. दूसरा तरीका क्या है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस पीछे लिखा जाएगा और आगे इफ क्लॉज आ जाएगा तो कनेक्टर आएगा वहाँ दैट आएगा, और इम्परेटिव सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट प्लस हेड टू वॉज टू या वर्ड टू लिखना पड़ेगा. तो इसलिए आपको दोनों नियम बता दिए हैं, इसलिए दोनों नियम बताए थे परीक्षा में पता नहीं कौन से रूल का एग्जाम्पल आ जाए. तो आप ऑप्शन इसके देखेंगे, ऑप्शन ए माई फादर टोल्ड मी दैट आई वॉज सफर्ड. देखिए आई वॉज सफर्ड हो गया, आप यहाँ देखेंगे यू सफर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है. ऑप्शन ए सही हो सकता था. प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ तक ही हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वॉज आए इसलिए गलत है. आगे देखो विजिट ये इम्परेटिव दे दिया लेकिन इसको हम सब्जेक्ट प्लस वॉज टू हैड टू होना चाहिए था इसलिए गलत है. ऑप्शन बी माई फादर एडवाइज मी दैट आई शुड विजिट. अब देखिए एडवाइज मी के बाद दैट से नहीं जुड़ता है इम्परेटिव, या तो हम इफ क्लॉज को लाएंगे तो दैट से जुड़ता, या तो हम इम्परेटिव को ला रहे हैं तो हमें दैट क्लॉज से नहीं जुड़ना चाहिए, इसको टू से जुड़ना चाहिए और दैट क्लॉज नहीं बनना चाहिए. ऑप्शन सी है माई फादर ऑर्डर्ड मी दैट आई शुड वेट. अब देखिए यहाँ फिर वही आएगा ऑर्डर्ड मी, तो आई शुड वेट. शुड वाला ऑप्शन कब आता है, जब हम इफ क्लॉज को आगे लाते, हम शुड वाले में नहीं चेंज करेंगे, यानी इस नियम की बात करेंगे हम. इस नियम के लिए सिंपल एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, या तो आप इम्परेटिव को आगे ले आओ या अगर आप इम्परेटिव को पीछे रखोगे तो उससे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड टू लिखना ही पड़ेगा. तो ऑप्शन आपका सी भी सही नहीं है. ऑप्शन डी देखेंगे माई फादर एडवाइज मी टू विजिट. देखिए यहाँ इम्परेटिव को आगे ले आए हैं तो ये आपका ऑप्शन सही है, आई सफर, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड सीरीज. सीरीज का प्लूरल फॉर्म क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है देखने के लिए लेकिन बहुत जटिल है कई बार करने के लिए. बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, इसका ऑप्शन होगा डी. सीरीज है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होता है ऐसे, और कई भी नाउन आपको मैंने बताया था नाउन वाले टॉपिक में, आप उसे स्टडी कर सकते हो. सीफ है, फिश है, सीरीज है, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में यूज करो या प्लूरल में वो सेम रहते हैं, उनमें एस आई एस जोड़ने का कोई काम ही नहीं है. ओके नेक्स्ट है आपका, चूज द मोस्ट सुटेबल सिमिलर मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको इसका सिनोनिम बताना है. तो रेक्टिफाई का मीनिंग होता है सही करना या सुधारना. अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट मीन्स सही करना, ऑप्शन बी अल्टर मीन्स बदलना, ऑप्शन सी इरेज मीन्स मिटाना, ऑप्शन डी कंटिन्यू मीन्स जारी रखना. तो सुधारना या सही करना का क्या सिनोनिम होगा, आप जानते हो करेक्ट ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मिरेकुलस, और मिरेकुलस का मीनिंग होता है चमत्कारिक. ऑप्शन ए है मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, ऑप्शन बी सडन मीन्स अचानक, ऑप्शन सी अमेजिंग मीन्स चमत्कारक, और ऑप्शन डी अनएक्सपेक्टेड मीन्स असंभावित. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा सी अमेजिंग. नेक्स्ट है चूज अ सुटेबल मीनिंग ऑफ इडियम ऑफ फ्रेसेस. क्वेश्चन है आपका अ गिफ्ट ऑफ गैब. गिफ्ट ऑफ गैब बहुत पॉपुलर इंग्लिश इडियम है और उसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज एफिशिएंट इन स्पीकिंग फ्लुएंटली. एक व्यक्ति जिसके अंदर एक अद्भुत कला है, अद्भुत प्रतिभा है बोलने की, जैसे आप मोदी जी को देखते हो किसी भी टॉपिक पे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, अ टैलेंट ऑफ स्पीच, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है पेटीकोट गवर्नमेंट. पेटीकोट गवर्नमेंट का मीनिंग वर्ड से ही पता लग जाता है, औरतों की सरकार. कई इडियम्स और फ्रेसेस को अगर आप ढंग से देख लोगे उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है. तो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट वाई बी मैन, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड.
आपको इसका अंडरलाइन वर्ड आपको है उसका बताना है, और इसका है रिलिक्टेंट, और रिलिक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, रिलिक्टेंस का मतलब होता है, मीनिंग होता है अनिच्छा। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ईगरनेस मीन्स इच्छा या उत्सुकता, हेजिटेशन मीन्स झिझक, एन्जॉयमेंट मीन्स आनंद, और अनविलिंगनेस मीन्स अनिच्छा। तो अनविलिंगनेस तो इसका हो गया सिनोनिम, और ईगरनेस इसका क्या हो गया, ईगरनेस इसका हो गया एंटोनिम, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, तो 24 है ही इज अ जनरस मैन, और जनरस का मीनिंग क्या होता है, जनरस का मीनिंग होता है दयालु, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसके लिए ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है स्टिंगी मीन्स कंजूस, ऑप्शन बी चैरिटेबल मीन्स दान करने वाला यानी उदार हो गया, और ऑप्शन सी है सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, ऑप्शन डी इग्नोरेबल, इग्नोरेबल का मतलब होता है नीच या अधम। तो दयालु का जो अपोजिट हो जाएगा वो स्वार्थी हो जाएगा, उदार जो नहीं है यानी जो केवल अपनी बात करता है, अपनी स्वार्थ की बात करता है, तो उसका अपोजिट यहाँ जो सबसे सूटेबल है वो आपका सेल्फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, एक एनिमल जो दूध देता है उसके लिए कौन सा एक सूटेबल वर्ड आएगा, वन वर्ड आएगा, उसके लिए हम देखें ऑप्शन ए है वाइब मीन्स दो पैरों वाला, मैमल्स मीन्स स्तनधारी, क्रिएचर मीन्स जीव, और वायर मीन्स गौशाला। तो स्तनधारी के लिए जो वर्ड आता है उसका आता है मैमल्स, यानी एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क के लिए वन वर्ड आएगा मैमल्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपना कमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।